Porque me entiendes con Zururi, o que me entiendes con poco ni o día, o sea que रहा था मेरे कल सारा पेंट जो है ये देखिए क्योंकि बालकनी पूरा पेंट था खराब हो गया था बारिश के बाद। अब देखिए तो साफ सुथरा खूबसूरत लुक आ गया है। थोड़ी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है अपने घर में, वक्तन वक्तन कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है जब भी आपका घर जो है अलग नज़र आ रहा होता है, खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। प्लांट्स पर भी मैं कभी सेशन करूँगी, मेरे प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, मैं क्या करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। सबसे पहले तो प्लांट्स के लिए ये है कि आपको ना पानी तो डेली ही डालना है। जैसे अगर यहाँ समर है, हम लोग रांची में हैं, तो पानी मैं एक टाइम डालती हूँ, दो टाइम नहीं डालती। एक टाइम क्योंकि ये बालकोनी में है तो इतनी धूप नहीं आती है, तो मैं एक टाइम पानी डालती हूँ अपने प्लांट्स में, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है इसकी गुदाई करती हूँ। गुदाई इस तरह करते हैं कि मैं अभी आपको दिखा दूँगी, अंदर एक मिलता है किस तरह का स्टील टाइप का लोहे का, उसके साथ ना इसको आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे अपनी मिट्टी को करेंगे। गुदाई कहती हूँ, गुदाई कहती हूँ जो भी गुदाई वो करना पड़ता है ज़रूरी। मैं हफ्ते में एक दफ़ा गुदाई करती हूँ, मतलब एक दिन मैं अपनी बालकोनी को ज़रूर देती हूँ अपने प्लांट्स को। देखिए आप टेक केयर करेंगे ना तो प्लांट्स अच्छे जलेंगे। जहाँ जलने शुरू हुए तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई कोताही हो रही है, या तो पानी ज़्यादा डाला जा रहा है, या पानी कम डाला जा रहा है, या फिर जो है इसकी टेक केयर सही नहीं हो रही है। अगर प्लांट सूखना शुरू हो जाए तो फ़ौरन अपना जो प्लांट है मैं निकाल देती हूँ नीचे, और मैं गमला हटा के और उसको चेक करती हूँ, पूरा हटा दी। अगर बाजों पर जो है ना उसके अंदर आपको वो मिल जाते हैं अर्थफॉर्म टाइप की चीज़ होती है, वो उसमें पड़ जाती है कीड़े, तो वो पूरा ख़त्म कर देते हैं आपका प्लांट। आहिस्ता आहिस्ता जल जल के सब खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जब आपको लगे कि आपका प्लांट सूख टाइप रहा है तो किस वजह से सूख रहा है आपको उसकी जड़ मालूम करनी पड़ेगी, या तो कीड़े लग रहे हैं उसके ऊपर। तो देखिए मैं स्प्रे ज़रूर करती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, नर्सरी जाऊँगी अभी मुझे प्लांट्स लेने, तो मैं आपको स्प्रे भी दिखाऊंगी कौन सा मैं स्प्रे डालती हूँ अपने प्लांट्स के। मैं 15 दिन में तकरीबन करती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट्स में देखिए कीड़े वीड़े नहीं है, क्योंकि मैं मुस्तकिल डालती रहती हूँ, इनकी टेक केयर करनी पड़ती है मुझे, ठीक है। ये देखिए फूल भी आ रहे हैं मेरे इस प्लांट में, मेरी बेल भी, ये देखिए कितनी लंबी हो गई है। अब इसमें सीजन है ना सर्दियों में ये फूल आएंगे, अभी तो यहाँ समर चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी हैं अभी तो कराची में। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट ये कि आपको पानी का ख्याल रखना है, इसके अलावा आपको इनकी टेक केयर करनी है। इस तरह हफ्ते में एक दिन मैं पहले गुडाई करती हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ इसमें जो है पानी जैसे डाला पहले, फिर गुडाई की, उसके बाद जो भी है ना पत्ते मुझे लगते हैं ये सूख रहे हैं, कोई कटे हुए हैं, कोई कुछ हुआ हुआ है, तो वो मैं ना कट कर देती हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से छांटी कर दें, उससे देखें ग्रो, ये इतना सा पौधा था और ये ग्रो अभी 1-2 महीने पहले ही आया था, ये देखें अब इसमें फूल भी आना शुरू हो गया, ठीक है। सी, तो ये इस तरह से आपको देखना पड़ेगा अपने प्लांट्स को, देखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक तरह से हम इंसान हैं, इसी तरह से ये जानदार, इनके पानी पे चलते हैं। फर्टिलाइज़र ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि खाना जैसे हम लोग खाना खाते हैं इस तरह फर्टिलाइज़र जो है आप गोबर खाद जो होती है वो मटा देगा। गोबर खाद जो नर्सरी से मिलती है उससे कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब जो आ रही हैं, अब नई नई खादें आ रही हैं, एक आती है केमिकल खाद आती है जिसमें दवाई ऑलरेडी पड़ी होती है, वो मैं डालती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा, थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अगर मुझे लगता है जैसे कमी लग रही है, सही है, प्लांट में मुझे लग रहा है कि इसमें खाद नहीं, इसमें तो खाद है, ठीक है। अगर प्लांट में लग रहा है कि खाद आपकी कम हो गई, आप एक मुट्ठी लें आप डालते हैं, एक हफ्ते में मैं ज़रूर ये करती हूँ अपनी टेक केयर, अपनी गैलरी की, अपने प्लांट्स की कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद आपको मैंने बता दिया, चेंज करेंगे, खाद ज़रूर डालेंगे, चेक करेंगे कि इसका सॉइल में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, इसका सॉइल देखें, अब इसमें खाद नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। लेकिन अभी मैं अगले वीक मेरा पैकेट ख़त्म हो गया है, वो मैं पैकेट भी दिखाऊंगी मैं कौन सी खाद यूज़ करती हूँ। वो एक हफ्ते में एक मुट्ठी आपने डाल दी, इससे क्या होता है मेंटेनेंस रहती है, और एक हफ्ते के अंदर ही मैं एक दिन रखती हूँ जो अपने मैं टेक केयर करती हूँ अपनी बालकनी का। मेरी फेवरेट चीज़ है क्योंकि मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक जो है ये गार्डनिंग है। तो उसके बारे में मुझे तजुर्बात हुए, मालूमात हुई है, उसके तहत मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन टेक केयर बहुत ज़रूरी, छोड़ दें आप प्लांट ला के इसको छोड़ दें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा प्लांट भी ख़राब हो जाएगा और आपका सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ भी मालूम करना मुझे कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरा चैनल, आई एम न्यू इन यूट्यूब, और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों की तरफ से मुझे, थैंक यू सो सो मच।